तो आज डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को सेलेक्ट करा है और आपको एक महीना दो महीना हो चुका है, स्टिल जो आपका कीवर्ड है वो अभी तक गूगल में रैंक नहीं कर पाया, तो इस वीडियो में एग्जैक्टली ये ही डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कीवर्ड गूगल में रैंक नहीं कर पा रहा, और इन फ्यूचर आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आपको कैसा कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस करनी ही ना पड़े। तो दोस्तों बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका कीवर्ड है वो गूगल में रैंक नहीं कर पा रहा। पहला रीजन है कि आपने गलत कीवर्ड को सेलेक्ट कर लिया है, और जो दूसरा रीजन है कि जो आपके कंटेंट की क्वालिटी है वो इन कंपैरिजन टू जो ऑलरेडी उस कीवर्ड पे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी लो क्वालिटी है, जिसकी वजह से गूगल आपका जो कीवर्ड है, आपका आर्टिकल है, उसको रैंक नहीं कर पा रहा। तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो में थोड़ा सा आगे देखेंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं रेगुलरली अपने चैनल पे SEO एंड वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। आपकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए तो बात करते हैं अपनी पहली मेन प्रॉब्लम के बारे में, यानी रॉन्ग कीवर्ड सिलेक्शन, यानी कि आपने गलत कीवर्ड को चूज कर लिया है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक ऐसे कीवर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसपे आप इजिली गूगल के अंदर रैंक कर सकते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने AHREF के अंदर कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करे हुए हैं। तो अब मैं कुछ कीवर्ड के थ्रू आपको एक एग्जांपल दूंगा कि बैड कीवर्ड्स क्या हैं, ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर अगर आप लिखते भी हैं तो अगर आप एक साल तक भी उस कीवर्ड पे काम करेंगे तो आप उस पे रैंक नहीं कर पाएंगे। और आपको गुड कीवर्ड्स का भी एग्जांपल दूंगा कि ऐसे कीवर्ड्स की जिन पे आप इजीली जल्द से जल्द रैंक कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं HREF के अंदर गया और इसके अंदर मैंने कीवर्ड सर्च करा हाउ टू वोट #India। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें जो डिफिकल्टी यहाँ पे दिख रही है वो हमें 6 दिख रही है, और ये हमें दिखा रहा है कि ये काफ़ी इजी कीवर्ड है, अगर हम इसके ऊपर लिखते हैं तो हम रैंक कर पाएंगे। और हमें इसका जो वॉल्यूम दिख रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 लाख हमें जो ट्रैफिक है वो 27 लाख हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपने भी कोई एक ऐसा कीवर्ड देखा होगा किसी टूल के ऊपर, AHREF या SEMrush के ऊपर, और आपको भी लालच आ गया होगा और फिर आपने फटाफट उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया और फिर आप सोच रहे हैं कि वो रैंक क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि अगर कोई टूल आपको बताता है कि कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो उसकी डिफ़िकल्टी है वो ईजी है, यानी कि आप उस पर रैंक कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि टूल से आपको हमेशा सही आइडिया नहीं देते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर मैं सेम कीवर्ड को गूगल के अंदर सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऊपर कैसी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। एक छोटा सा सजेशन आपको दूंगा कि आप अपनी आदत बना लें कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो ये माउस बार एक प्लगइन है, इसको ज़रूर आप अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल करके रखें। इस पर अकाउंट फ्री बन जाता है और इसके बाद हमें क्या पता लगता है कि हमें एक जो वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी हमें पता लग जाती है। तो आपकी भी जो वेबसाइट है उसकी भी ये डोमेन अथॉरिटी बता देगा। तो इससे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट और जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वैसी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो 90-90 की DA की वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करेंगे आपको साल भर लग जाएंगे, लेकिन आप टॉप 10 की जो रैंकिंग है वो आप इस पे ला ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक कीवर्ड टूल ने आपको बता दिया कि कोई कीवर्ड इजी है तो आप उस पर ईजिली रैंक कर पाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर मैंने सर्च करा ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन दिल्ली, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमें दिखा रहा है इजी 0, यानी कि अगर आप इस पर आर्टिकल डालते हैं तो आपका आर्टिकल 2-3 दिन के अंदर रैंक हो जाना चाहिए, वो भी पहली पोजिशन पर। तो अगर आप इस सेम कीवर्ड का गूगल सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेबसाइट रैंक कर रही हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट की वेबसाइटें रैंक कर रही है, और इनकी DA आप देखेंगे, DA से तो खैर कोई इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसके पीछे का, इस कीवर्ड के पीछे का इंटेंट है वो ये है कि जो जिस बंदे ने इस कीवर्ड को सर्च करा है वो एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है। तो अगर आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख देंगे तो जो इंटेंट है यूजर का उसको आप कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे अगर आप लिखेंगे तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो किसी भी कीवर्ड को लिखने से पहले हमेशा उसके इंटेंट को देखिए कि उसके पीछे का
रीजन क्या है कि जो यूजर है उसको क्यों वो सर्च कर रहा है, उसको क्या मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या वो किसी वेबसाइट पे नेविगेट करना चाहता है, और क्या आप उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे तो आपकी वेबसाइट 100% रैंक नहीं करेगी, और आप अपना मनी और फिर आप अपना जो आपने टाइम इन्वेस्ट करा अपने ब्लॉग और आर्टिकल के ऊपर, वो सारा की सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड रिसर्च करते टाइम, हमेशा ये आप देखिए कि कीवर्ड के बिहाइंड मोटिव क्या है, उसका इंटेंट क्या है, यूज़र क्या चाहता है, और क्या आप अपने आर्टिकल के थ्रू उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको देता हूँ एक गुड कीवर्ड का आइडिया, यानी कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखेंगे ऐसे ही कीवर्ड्स के ऊपर, तो आपकी जो वेबसाइट है चांसेस हैं कि वो काफी इजी रैंक कर पाएगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे आ पाएगा। तो यहां पे मैंने एक सिंपल सर्च करा, बेस्ट स्केटबोर्ड फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। उसके सर्च करने के बाद मॉज ने मुझे यहां पे दिखाया कि जो फर्स्ट पे वेबसाइट रैंक कर रही है इसकी डीए है यहां पे 29, और ये जो सेकंड पे आ रही है 26, और ये 23। तो टॉप थ्री की हमने वेबसाइट देखी, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी रेंज के अंदर है, और जो वेबसाइट बेसिकली रैंक कर रही है वो सारी की सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो हमारी वेबसाइट के जैसी ही वेबसाइट रैंक कर रही है, और इस कीवर्ड के इंटेंट से ये पता लगता है कि जो यूज़र है वो एक तरीके की लिस्ट चाहता है, जिसके अंदर उसे पता लगे कि जो स्केटबोर्ड है वो बेस्ट स्केटबोर्ड कौन से हैं। तो अगर इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे, यानी ऐसे कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर इंटेंट होगा ब्लॉगिंग के ऊपर, यानी कि जो यूज़र है वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो आपके चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं कि इन फ्यूचर आपका जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा टॉप पोजीशन पे। और अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, यानी बैकलिंक्स वगैरह अच्छी वेबसाइट से बनाते हैं, तो आप उस पर अपने अफिलिएट लिंक डाल के भी पैसा कमा सकते हैं, और आप उसके ऊपर टॉप पोजिशन पे भी रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी कीवर्ड को सेलेक्ट करने से पहले हमें उसके इंटेंट के बारे में पता होना चाहिए, और एक हमें इनिशियल गूगल पे सर्च भी करके देखना चाहिए कि किस टाइप की वेबसाइट उस पर रैंक कर रही है, क्या वो हमारी लिमिट के अंदर हैं या वो हमारी लिमिट के बाहर की वेबसाइट हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम, जो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, आप गलत कीवर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरी वेबसाइट रैंक क्यों नहीं कर पा रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कीवर्ड को सेलेक्ट करें, उसके पीछे के इंटेंट को समझें। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपने एक सही कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर पा रही, तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है? तो चलिए, तो बात करते हैं अब दूसरी पॉसिबल प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी कंटेंट की क्वालिटी है वो लो है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा गाइस, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि आपने एक अपॉर्चुनिटी कीवर्ड को आपने सेलेक्ट करा, फिर आप उसको गूगल में सर्च करते हैं, एंड सर्च करने के बाद आपने चार वेबसाइट के आर्टिकल्स को पढ़ा, पांच वेबसाइट को पढ़ा, और उसके बाद आप उनमें से जितना भी उनका कंटेंट होता है आप उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद आप अपना खुद का जो कंटेंट है वर्ड्स आगे पीछे करके और थोड़ा सा उसे अपने अकॉर्डिंग यूनिक बना के आप उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये एक काफ़ी रॉन्ग मेथड है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए जब आपकी जो वेबसाइट का आर्टिकल है वो सैंडबॉक्स पीरियड से बाहर निकलता है, और गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को फिर इवेल्युएट करता है कि चलो मैं इस वेबसाइट को इवेल्युएट करता हूं जो टॉप की वेबसाइट्स रैंक कर रही है उनके आर्टिकल से, तो जब वो इन दोनों को कंपेयर करता है तो उसे दिखता है कि आपका भी आर्टिकल सेम है, उसका भी आर्टिकल सेम है, और दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक क्यों करूं? तो जो मेन रीजन है कि आपने गूगल को कोई मोटिव ही नहीं दिया, आपने गूगल को वो पॉइंटर्स ही नहीं दिए कि जिसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट को एक चांस दे कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर सके। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो यूनिक हो। आप पांच जगह से पढ़ें, छह जगह से पढ़ें, आप YouTube की वीडियो देखें और आप ट्राई करें कि आप उसको यूनिक बनाएं। अगर वो 1500 वर्ड का आर्टिकल है तो आप ट्राई करें कि आप 2000 वर्ड का लिखें, आप उसके अंदर एक्सटर्नल रेफरेंसेस डालें ताकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन एक रिच आप आर्टिकल उसको बना पाएं, और पॉसिबल हो तो उसके अंदर आप वीडियोज एम्बेड करें ताकि गूगल जब भी दूसरी बार आपके उस आर्टिकल को इवेल्युएट करे तो उसे दिखे कि हाँ कि इस यूजर ने एक काफी अच्छा इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखा है
और जो पहला आर्टिकल जो पहले पे रैंक कर रहा है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, ताकि वो एक आपको चांस दे सके आपके आर्टिकल को रैंक कराने का। तो गाइज मेरी सिंपल एडवाइस आपको ये है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आर्टिकल लिखें आप उसको जितना यूनिक बना सके उतना यूनिक बनाइए, उसको अच्छी आप लैंग्वेज में लिखिए, उसके अंदर ग्रामर की एरर्स ना हो तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो। और अगर आप नहीं लिख पाते तो आप प्रोफेशनल से लिखवाइए ताकि वो आपका जो आर्टिकल है वो रैंक कर पाए। एंड स्टिल गाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।